हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। आज मैं आप लोग को सेंटेंस रीऑर्डरिंग बताने जा रहा हूँ, जो क्लास 9th और 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ वर्ड्स हैं जैसे लिव्ड, अ एंड किंग, पावरफुल, देयर, ग्रेट। इससे कौन सा सेंटेंस बनना चाहिए? तो यह सेंटेंस सबसे पहले देयर से शुरू होगा। देयर लिव्ड अ ग्रेट एंड पावरफुल। एंड पावरफुल किंग। देयर लिव्ड अ ग्रेट एंड पावरफुल किंग। हैड अ ही एंड दे नोबल वाइफ वर हैप्पी। इसे क्या होना चाहिए? तो उन्हें एक नोबल वाइफ था। ही हैड अ नोबल वाइफ और वे लोग खुश थे। एंड दे वर हैप्पी। ऑफ द किंगडम हैप्पी पीपल द वेयर ऑल्सो। और वहाँ की जनता भी खुश थी। द पीपल ऑफ द किंगडम वेयर ऑल्सो हैप्पी। ऑफ देयर सब्जेक्ट्स रॉयल कपल अटेंशन टू ऑल द पेड द नीड्स। यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ होगा द रॉयल कपल पेड अटेंशन टू ऑल द नीड्स ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। अपने प्रजा का, सब्जेक्ट्स मीन्स प्रजा यानी राजा का अपोजिट। दे देयर ट्राइड देयर वूज रिमूव टू बेस्ट। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू रिमूव देयर वूज। वूज मीन्स तकलीफ, दर्द। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 10th के ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, एडिटिंग और भी बहुत कुछ, नरेशन वगैरह भी मिलेंगे। तो सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।